नमस्कार, मैं हूँ आरती परब। ए है प्रगति टाइम्स न्यूज रील। आज के मुख्य समाचार। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री आरोपी जल योजना को मंजूरी। न्यायमूर्ति सत्यनारायण करेंगे अन्ना द्रमुक के 18 अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई। मलेशियाई के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब के परिसरों से नकदी और लग्जरी सामान जब्त। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। परमाणु सुविधा में तेजी से सुधार कर रहा उत्तर कोरिया। मोदी ने कहा कि 50 करोड़ लोग सामाजिक सुरक्षा बीमा से जुड़े। दिल्ली NCR में बारिश के बाद तापमान में गिरावट। नीतीश ने लालू को फोन कर जाना हलचल, तेजस्वी ने कसा तंज। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड का मुकाबला कोस्टारिका से। उत्तराखंड में 72 घंटों तक भारी बारिश के आसार। महाराष्ट्र में सुखोई विमान दुर्घटनाग्रस्त, पायलट सुरक्षित। छत्तीसगढ़ में 4 लाख रुपए मूल्य के नकली नोट सहित 2 लोग गिरफ्तार। झारखंड नक्सली हमले में 6 सुरक्षा कर्मी शहीद।